नमस्कार भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और दुआ करता हूं कि घर परिवार भी अच्छा ही हो। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कबूतरबाजी के गुप्त राज में। भाइयों, आज का टॉपिक है कि कबूतरों की टुकड़ी बनाने का कैसे बनाएं। आज मैं आपको कबूतरों की टुकड़ी के बारे में बताऊंगा कैसे बनाते हैं। कल भी मैंने बताया था, मगर मैंने कल नुस्खा बताने के लिए आपको कहा था तो वो रह गया था, तो आज मैंने सोचा कि चलो इसका मैं सेकंड पार्ट बनाता हूं, क्योंकि इसके ऊपर मुझे और भी कमेंट आए थे तो मैंने कहा चलो वीडियो बना ही देते हैं। भाइयों देखो, कबूतर की टुकड़ी बनाने के लिए आपको जो नुस्खा इस्तेमाल करना है वो नुस्खा आपने इस्तेमाल करना है मेरे भाइयों, वंश लोचन होता है। ये तवा सिर जैसा सफ़ेद कलर का होता है, आपको वंश लोचन लेना है और साथ में लेनी है आपको हरी इलायची 2 पीस, और लेना है मुनक्का आपको 6 पीस, और काली मिर्च लेनी है 6 पीस, वंश लोचन के 2 पीस लेने हैं और हरी इलायची के भी 2 पीस लेने हैं। ठीक है भाइयों, आपने क्या करना है, ये 11 कबूतरों की टुकड़ी की पानी बनेगा जो मैं आज आपको बताऊंगा। आपने करना क्या है, इन चीज़ों को आपने रात को भिगो देना है, अपने कबूतरों के हिसाब से लगा लो आप 10-15 ml पानी के हिसाब से, 10 ml, 15 ml या 5 ml, जितना भी आप चाहे, आप कम से कम 10-15 ml के हिसाब से भिगो दें पानी को। ठीक है, उसमें ये चीज़ें रात को भिगो दें। सुबह आपने करना क्या है कि जेब वाली चीज़ें सारी बाहर निकाल लेनी है, पानी से छान के बाहर निकाल लें, पानी को आपने फेंकना नहीं है, पानी को आपने जमा करके रखना है। ठीक है, फिर आपने इनको पहले जो हरी इलायची के बीज हो गए उनको अच्छी तरह से पीस लें। ठीक है, जब वो अच्छी तरह से पीस जाए फिर उनके बाद आपने जो मनक्के हैं उनमें से बीज निकाल के उनको भी अच्छी तरह से पीस लें। ठीक है, जब अगर उसमें डालेंगे रात को तभी बीज बाहर निकाल लेना पानी में जब डालेंगे। ठीक है, मनक्के में, फिर उसके बाद आपने मनक्के की भी अच्छी तरह से रगड़ाई करके उसकी पेस्ट बना लेनी है। उसके बीच में आपने डालना है वंश लोचन। ठीक है, 2 पीस ये डाल के इनको भी अच्छी तरह से रगड़ाई कर दें आप। रगड़ाई करके फिर आपने करना क्या है, इनका जो पानी बचा होगा ना उसको पानी को भी इसके बीच में डालकर फिर रगड़ाई करनी है कि अच्छी तरह से इसमें वो हल हो जाए, मिक्स हो जाए। यानी जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए एक बार फिर इसे कपड़ छान करके इसे आप छान के रख लें। ठीक है, अगर आपके कबूतर ऐसे आप पिलाते हैं पी जाते हैं तो ऐसे पिला दीजिए, नहीं तो हर एक कबूतर को आप 10-10 ml पानी दे दें सुबह। ठीक है, 10 ml सुबह दे दें, अगर कोई 5-7 ml फिर बचता है उस पानी को आप शाम को भी दे सकते हैं। ठीक है, ये करके फिर आप सुबह कबूतरों को उड़ाए, कबूतर उड़ेंगे और आपस में चिपक के उड़ेंगे। ये कबूतरों की टुकड़ी बनाने का जो नुस्खा था ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी भाइयों, मगर उस वीडियो की आवाज़ कम थी, यही मैंने नुस्खा बताया था जिससे काफ़ी भाइयों को फ़ायदा हुआ था। तो कुछ भाइयों को ने मुझे कमेंट किए थे कि भाई जी, जैसे आप कहते हैं कि कबूतरों को जो कबूतर आपने सेलेक्ट किए हैं वो आपने एक ही जाल में रखने हैं, तो एक ही जाल में रखने हैं, अगर हमने नर और मादा की टुकड़ी बनानी होगी तो फिर वो एक साथ रखेंगे तब वो फिर उनकी टुकड़ी नहीं बनेगी। देखो मेरे भैया, जो अच्छे खिलाड़ी जो अच्छा शौक रखते हैं, ठीक है, नर अलग रखते हैं वो मादे अलग रखते हैं। ठीक है, आप एक दिन नर की टुकड़ी उड़ा लो, दूसरे दिन मादा की टुकड़ी बना लो। ठीक है, अगर उसके बाद जब एक बार आपके कबूतर टुकड़ियों में चलना स्टार्ट हो जाते हैं तो अगर आपको पता है कि ये वाली मादाएं इन कबूतरों को टक्कर दे रही हैं तो मेरे कबूतर, अगर लगा लो आपने 11 या 20 कबूतर की टुकड़ी उड़ानी है, इनमें से जो नर हैं, नर आपके उड़ रहे हैं कितने, नर आपके 10 लगा लो, 10 नर आपके जो है अच्छे उड़ रहे हैं, आप कुछ और डालने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। आपकी जो मादी हैं उसमें से 15 मादी हैं बहुत अच्छी उड़ रही हैं,
आप क्या करते हैं कि उधर में से 11-12 जो जितनी मर्जी आप डालना चाहते हैं इस ग्रुप में आप डाल सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले भाइयों एक काम करना पड़ता है, क्योंकि पहले तो आप देखो ना, पहले आप फर्स्ट क्लास में गए नहीं तो सीधे डायरेक्ट आप 10th के पेपर देने जा रहे हो, वो काम तो लेना होगा। पहले आपको धीरे से पहले टुकड़ी बनाना तो सीखो, जब आपकी टुकड़ियां बनना स्टार्ट हो जाएंगी, नर भी अपने ग्रुप में उड़ेंगे, मादियां भी अपने ग्रुप में उड़ेंगी, उनको टुकड़ी में उड़ने की आदत पड़ जाएगी, फिर आप जैसे मर्जी चेंज करके उड़ा सकते हैं मेरे भाइयों, मगर जब वापस आते हैं तब दोबारा अलग कर दो। वो कबूतर टुकड़ियों में ही उड़ते हैं, जिनको खाली खुला फिरने की आदत पड़ी होती है वो कबूतर खुले ही फिरते हैं मेरे भाइयों। आपने इस तरीके से थोड़ा सा अपना दिमाग लगाकर टुकड़ियां तैयार करनी है, उसमें जब वही चीज होती है ना, ऐसे भी होते हैं जब हम कबूतरबाजी की जब हमारी बाजी होती है तब हमने कम से कम 2 ग्रुप बनाए होते हैं, जब जो उससे पहले 3-4 ग्रुप भी बने होते हैं, उसमें धीरे धीरे हम सिलेक्शन करते जाते हैं, छाँटते जाते हैं, जो कबूतर अच्छा उड़ता जाता है, अच्छी प्रमाणता देता जाता है, उस कबूतर को हम आगे आगे ग्रुपों में डालते जाते हैं, इससे ऐसे सिलेक्शन करते हैं। तो आपने भाइयों ऐसे करनी है, नर मादा अलग अलग उड़ा के जब आपको पता है ये बिल्कुल सेट हो गया, आप इकट्ठे इन कबूतरों को उड़ाएंगे, जब ये ग्रुप में ही उड़ेंगे मेरे भाइयों, ठीक है। आप ऐसे ही अपने कबूतरों की तैयारी किया करें। और एक हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, उन्होंने भी एक कमेंट किया था खुली दूंब और बंद दूंब के ऊपर, और साथ में किया था यो इत्र के ऊपर कि भाई जी ये बिल्कुल गलत है, ये तरीके ठीक नहीं है। मेरे भाइयों ये चीज़ें उन उस्तादों के नुक्से हैं, नुक्ते हैं, जो खाली 11-12 कबूतर नहीं 1500 कबूतर की टुकड़ी उड़ाती हैं और जिनके नाम हैं, ये इत्र वाले नुस्खा उनका है मेरे भाइयों। आप लोग आप इस्तेमाल आपने किया नहीं, आपने पहले ही उसे फेल कर दिया। अगर आपके पास इससे देखो टुकड़ी बनाने का खाली वही नुस्खा नहीं जो मैं बता रहा हूँ, टुकड़ी बनाने के हजारों नुस्खे होंगे, कबूतर को उड़ाने के हजारों नुस्खे हैं, हर एक उस्ताद का अपना अलग अलग नुस्खा है मेरे भाइयों। अगर आप मेरे से बेहतर जानते हो तो कम से कम मुझे आपने ये कमेंट करके बोला है, मेरा नंबर आपके पास है भी है मेरे भाई, आप मुझे कॉल करके कुछ गाइड कीजिए। मैं लोगों के सामने इसलिए आया हूँ कि मैं लोगों को हर एक नुस्खा बार तगड़े से तगड़ा अच्छे से अच्छा नुस्खा बताऊँ, जिससे मेरे नए शौकीनों को फ़ायदा हो। मेरा मेन मिशन यही है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं बता रहा हूँ ये सबसे बेटर है, क्या पता इससे भी आपका नुस्खा बेटर हो, आप मुझे बताने की कोशिश करें। जे मैं आगे बताऊंगा, जो मेरे साथ मेरे सब्सक्राइबर जुड़े हैं, जो मेरे से व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, मेरे से फ़ोन पे बात करते हैं, मैं उनसे ये सलाह मशवरा करूंगा और उनको भी बताऊंगा भाई कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने चैनल बनाया ही इसलिए भाइयों कि दूसरों भाइयों की मदद कर सके। हमें जो चीज़ गाइड कोई ऊपर से हमें कुछ मिलता है वो हम आगे पेश कर देते हैं मेरे भाइयों, ठीक है। और कुछ अजमाई हुई चीज़ें हैं जिनका मैं आके आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि जो ये वंशलोचन वाला नुस्खा है ये अजमाया हुआ है, इत्र वाला अजमाया हुआ है, और साथ में भैया टुकड़ी बनाने के लिए कबूतर को खोआ होता ना, जो खोए की रोटी भी बनाकर दी जाती है और मीठे पानी भी दिए जाते हैं, इससे भी कबूतर आपस में चिपक कर उड़ता है। तो ये मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें अजमाई हैं। दिल्ली में मेरे बहुत सब्सक्राइबर हैं, मेरे चाहने वाले, जिनको जो मद्रासियों का शो करते हैं दिल्ली में, और मद्रासियों की हमेशा टुकड़ी बनाकर चलाना पड़ता है मद्रासियों को, तो वो आज वो लड़के इतने टुकड़ी बनाने में माहिर हो गए हैं कि दूसरे छतों पर जाके टुकड़ियाँ बना रहे हैं मेरे भाइयों, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।